बच्चों, आज हम आपकी बुक का पार्ट 12 होली के रंग पढ़ेंगे। तो निकालिए पेज नंबर 42। निकाला सभी ने पेज नंबर 42, पार्ट 12 होली के रंग। तो इस पार्ट में बताया गया है कि बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी है ना। अब होली आने वाली है तो वो लोग होली खेलना चाहते हैं, बट बच्चे थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो रोहन का भाई है प्रतीक, उसकी आंखों में कलर चला गया था। तो ये केमिकल वाले जो कलर है ये आंखें ख़राब कर देते हैं, है ना, हमारे बॉडी को नुकसान करते हैं। तो उसकी आंख जाते जाते बची, तो सारे बच्चे डर रहे हैं कि अब हम होली कैसे खेलें। और खेलना भी है लेकिन वो लोग डर रहे हैं क्योंकि मार्केट में तो सारे रंग केमिकल वाले मिलते हैं जो हार्म करते हैं, है ना। तो फिर वो लोग अपने दादाजी के पास जाते हैं, तो दादाजी उन्हें उपाय बताते हैं कि होली खेलने के लिए हम नेचुरल रंगों से भी होली खेल सकते हैं। जैसे दादाजी ने बोला, कुछ लोग फूल तोड़ के लाओ, कुछ लोग चुकंदर उखाड़ के लाओ, कुछ लोग हल्दी लाओ, ऐसे करके उन्होंने नेचुरल रंग बना दिए और बोला कि इससे तुम होली खेलोगे तो तुम्हारी आँखों को या तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 होली के रंग। तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। पार्ट 12 होली के रंग, पेज नंबर 42। निकाला सभी ने होली के रंग। चलो एक बार थोड़ा सा ये गाना गा लेते। होली रे होली, रंगों की झोली आई मेरे घर में बच्चों की टोली, मुख ना छिपा सब सामने आ, है ना। तो ये गाना आप लोग गाते हैं कि नहीं होली पे? नहीं गाते हैं तो गाना होली पे, है ना, ठीक है। होली के रंग खेलते हो ना आप सभी होली? तो चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 12 होली के रंग। परीक्षाएं हो चुकी थी, कल बच्चों का मनपसंद त्योहार होली आने वाला है, लेकिन सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। परीक्षाएं हो चुकी थी, कल बच्चों का मनपसंद त्योहार होली आने वाला है, लेकिन सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। रोहन, निकिता, अनिल, श्रेया, उमंग सभी सहपाठी थे। कौन कौन थे? रोहन, निकिता, अनिल, श्रेया, उमंग सभी लोग सहपाठी थे। पिछली होली पर रोहन के भाई प्रतीक की आंखों में रंग चला गया और आंखें खराब होते होते बची, इसलिए सबके परिवार वाले डरे हुए थे। रोहन, निकिता, अनिल और श्रेया, उमंग सभी ये लोग सहपाठी थे। पिछली होली पर रोहन के भाई प्रतीक की आंखों में रंग चला गया था, है ना, और उसकी आंखें खराब होते होते बची, इसलिए सबके परिवार वाले डर रहे थे कि बच्चों को होली नहीं खेलने दे, है ना। सभी की परीक्षाएं लगभग हो चुकी थी और होली सारे बच्चों का मनपसंद त्योहार रहता है ना। तो बच्चे होली खेलना चाहते थे लेकिन बड़े उन्हें नहीं खेलना देने चाह रहे थे क्योंकि रोहन का जो भाई है प्रतीक, उसकी आंखों में पिछली होली पर कलर चला गया था, लेकिन उसकी आंखें बच गई खराब होते होते, है ना। इसलिए सभी लोग डरे हुए थे कि हम बच्चों को होली नहीं खेलने दे तो ही अच्छा है ना। पेज नंबर 43। बच्चे अपने इस मनपसंद त्योहार को बिना मनाए रहना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने इसके बारे में अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। सभी मित्र मिलकर निकिता के दादाजी के पास गए। बच्चे अपने इन मनपसंद त्योहार को बिना मनाए रहना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने इसके बारे में अपने बड़ों से बात करनी चाहिए, इसलिए सभी मित्र मिलकर कहाँ गए?
निकिता के दादाजी के पास गए। दादाजी, दादाजी क्या बोलते, कहां से चली आ रही है यह शैतानों की टोली? क्या बोलते हैं दादाजी, कहां से चली आ रही है यह शैतानों की टोली? तो निकिता क्या बोलती, दादाजी होली आने वाली है, बाजार के रंगों में केमिकल रहता है, मम्मी पापा हमें होली नहीं खेलने देंगे। क्या बोलती है निकिता कि दादाजी होली आने वाली है और बाजार के जो रंग रहते हैं वो केमिकल वाले रहते हैं, तो मम्मी पापा हमें होली नहीं खेलने देंगे, है ना? दादाजी बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। क्या बोलते हैं दादाजी, बस इतनी सी बात, चलो आओ मेरे साथ। दादाजी सभी बच्चों को घर के पीछे वाले बगीचे में ले जाते। कहाँ ले जाते, घर के पीछे वाले बगीचे में। दादाजी, रोहन गेंदे के फूल तोड़ लो। दादाजी क्या बोलते रोहन से, गेंदे के फूल तोड़ लो। श्रेया तुम अंदर जाओ और दादी माँ से बोलो कि भगोने में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दे। श्रेया को क्या बोलते कि तुम अंदर जाकर दादी को बोलो कि भगोने में गर्म पानी चढ़ा दे। श्रेया दौड़कर दादी माँ के पास जाती है। दादाजी, उमंग तुम चुकंदर उखाड़ लो। दादाजी क्या बोलते उमंग से, तुम चुकंदर उखाड़ लो। निकिता और अनिल तुम दोनों टेशू के फूल चुन लाओ। निकिता और अनिल तुम दोनों टेशू के फूल चुन लाओ। सबने दादाजी के बताए अनुसार भाग भाग कर सब चीजें इकट्ठी कर ली। सबने दादाजी के बताए अनुसार, है ना, दादाजी ने जो भी बोला था उनके अनुसार भाग भाग कर सब चीजें इकट्ठी कर ली। अब सब रसोई घर में आ गए। दादाजी ने गर्म पानी में टेशू के फूल डाल दिए और उबालकर उसे एक तरफ ढककर रख दिया। दादाजी ने क्या करा, रसोई घर में गए सभी लोग। दादाजी ने गर्म पानी में टेशू के फूल डाल दिए और उबालकर उसे एक तरफ ढककर रख दिया, है ना? दादाजी ने क्या कहा, सभी बच्चों को पीछे के बगीचे में ले गए, फिर वहां से किसी को कोई से फूल लाने को कहा, किसी को चुकंदर लाने को कहा, है ना, किसी को क्या काम दिया, ऐसे करके उन्होंने अपने सारे काम करवा के सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और फिर उन्होंने कलर बनाना शुरू करा। देखिए इस पिक्चर में दादाजी ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर रखा है और उन्होंने नेचुरल तरीके से ये कलर बनाए, है ना? आप लोग भी नेचुरल तरीके से कलर बना सकते हैं, है ना? जब होली आएगी तो आप लोग भी फूलों की होली खेल सकते हैं, फूलों से कलर बना सकते हैं, है ना? क्योंकि केमिकल वाले रंग तो नुकसान करते हैं, लेकिन नेचुरल जो रंग है वो नुकसान नहीं करेंगे। तो आप ये जब ये पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रंग बनते हैं, है ना, नेचुरल रंग कैसे बनते हैं। तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं और इस तरह से होली खेल सकते हैं। चुकंदर छीलकर काटकर एक बड़े बर्तन में रख दिए। क्या करा, चुकंदर छीलकर काटकर एक बड़े बर्तन में रख दिए और ठंडा पानी डालकर ढक दिया, है ना? चुकंदर को छीलकर काटकर रख दिए और ठंडा पानी डालकर रख दिया, उसको ढक दिया। दादाजी ने एक और भगोना पानी गर्म किया, फिर उसमें हल्दी और गेंदे के फूल डालकर उबाल दिया। उन्होंने क्या करा, एक तपेले में और पानी गर्म किया, उसमें क्या डाला, हल्दी और गेंदे के फूल डालकर उबाल दिया। फिर बच्चे से कहा, तुम सब बाहर जाकर खेलो, एक घंटे बाद आना। क्या कहा उन्होंने बच्चों से कि अब तुम लोग जाओ और बाहर जाकर खेलो, एक घंटे बाद आना। एक घंटे बाद जब बच्चे अंदर आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वे एक साथ बोले, है ना, क्या हुआ, जब बच्चे अंदर आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो एक साथ बोले, बच्चे क्या बोले, दादाजी
ये तो असली रंग की तरह है, है ना दादाजी? हाँ, ये ही असली रंग है। इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब जाओ और कल की होली की तैयारी पूरी जोश के साथ करो। क्या बोलते हैं दादाजी कि यही असली रंग है, है ना? जब बच्चों ने एक साथ देखा तो बड़े खुश होकर बोले, अरे दादाजी ये तो असली रंग की तरह है। तो दादाजी क्या बोले, यही असली रंग है, इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब जाओ और कल की होली की तैयारी पूरी करो, है ना, और जोश के साथ करो। अच्छा लगा ये पाठ? बच्चे नाचते गाते खुशी से अपने अपने घर की ओर चल पड़े, है ना? बच्चे नाचते गाते खुशी से अपने घर की ओर चल पड़े गाना गाते हुए, है ना? होली रे होली, बच्चों की होली, खेलेंगे असली रंगों से होली, कोई ना घबराओ मिलकर होली मनाओ, है ना? बच्चे गाते हुए खुशी से अपने अपने घर चले गए। माइंड मैप नंबर 1। पिछले वर्ष प्रतीक की आंखों में रंग चले जाने के कारण सबके परिवार वाले होली खेलने से डर रहे थे। क्या हुआ था? पिछले वर्ष प्रतीक की आंखों में रंग चला गया था, है ना? इसलिए सबके परिवार वाले डर रहे थे कि वो बच्चों को होली नहीं खेलने देंगे, है ना? फिर नंबर 2, बच्चे होली खेलना चाहते थे, वे निकिता के दादाजी के पास गए। बच्चे क्या चाहते थे? बच्चे होली खेलना चाहते थे, तो वो निकिता के दादाजी के पास गए। नंबर 3, दादाजी ने सबको रंग बनाना सिखाया, है ना? दादाजी ने सबको रंग बनाना सिखाया। ये पीला रंग उन्होंने किससे बनाया था? हल्दी और गेंदे के फूल से। पीला रंग हल्दी और गेंदे के फूल से, और ये वाला रंग चुकंदर से, है ना, गुलाबी रंग, और टेशू के फूलों से लाल रंग बनाया, ठीक है? फिर नंबर 4, बच्चे खुश होकर होली की तैयारी करने अपने अपने घर की ओर चल दिए। बच्चे खुश होकर होली की तैयारी करने अपने अपने घर की ओर चल दिए, है ना? इस तरह से बच्चों ने रंग बनाना भी सीख लिए और वो नेचुरल रंगों से होली भी खेलेंगे। तो आपको ये पार्ट समझ में आया, होली कैसे खेलते हैं? आप लोग भी खेलते हो ना, तब आप लोगों को भी कलर बनाना आ गया होगा, है ना? तो नेचुरल रंग मतलब प्राकृतिक रंग बनाकर हम होली खेल सकते हैं। फूलों से होली खेल सकते हैं, और फूलों से कई तरह के फूलों से कई तरह के रंगों से रंग बन जाएंगे फूलों से, और हम होली खेल सकते हैं, जिसमें कि इस पार्ट में हमने होली के रंग बनाना सीखे हैं। अच्छा लगा आपको ये पार्ट? अब ये पार्ट आप लोग एक बार और पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है?